इस समय उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर लगातार गिर रहा है और इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अब लोग आग का सहारा ले रहे हैं। दिन भर शीतलहर चलने से लोगों को कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मंगलवार की तुलना में बुधवार को दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिन का तापमान सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। उधर कुछ दिनों की तुलना में बुधवार को कोहरा कम रहा। बुधवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ी। सुबह वातावरण में कोहरा रहा, लेकिन कुछ दिनों की तुलना में बुधवार को कोहरा कम रहा। वहीं सुबह से ही शीतलहर चलनी शुरू हो गई थी, जो दिन भर जारी रही। ऐसे में कामकाज पर जाने वाले लोग ठिठुरते हुए अपने अपने काम पर पहुंचे। वहीं सड़कों के किनारे दुकानदार और राहगीर आग जलाकर ठंड से बचाव करते हुए दिखाई दिए। कपा देने वाली ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों में पैक नजर आए। वहीं जरूरत नहीं होने पर लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलने में ही समझदारी समझी। इस वजह से सड़कों पर थोड़ी बहुत भीड़भाड़ भी कम दिखी। उधर मौसम बेहद सर्द होने की वजह से मंगलवार की तुलना में बुधवार को शहर के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही शीतलहर ने उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। राजस्थान से लेकर बंगाल तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज पश्चिमी भारत में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। आज सुबह राजस्थान में घना कोहरा भी छाया रहा।